केमिकल कलर कुछ भी इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ और मैं सृष्टि में यहाँ पर 3 साल से भाग ले रही हूँ और सृष्टि में इतना अच्छा है कि जैसे हमको मार्केटिंग के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं जैसे सृष्टि में नहीं है। मार्केटिंग के लिए वो अपनी डिजाइन करते हैं और हम जैसे बहनों को आगे आने के लिए वो प्रोत्साहन भी करते हैं। मेरी प्रोडक्ट है नेचुरल जिसमें काली द्राक्ष और बरियाली दोनों का मिक्स करके मैं शरबत बना रही हूँ। काली किशमिश द्राक्ष जो अपने बोलते हैं उसको अंगूर की सूखे हुए जो ड्राई आते हैं वो और बरियाली जैसे सॉफ्ट होती है ग्रीन वो दोनों को भिगा कर शरबत बनाते हैं और नेचुरल उसमें कलर एसेंस कुछ भी नहीं होता है। और एक आदू आंवला अड़ोसी तुलसी पुदीना मर्च शाखा उसका भी हम शरबत बनाते हैं। इसमें कलर कुछ भी नहीं होता है जो जैसे अपने आंवला है बालों के लिए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक है अपने को खांसी है उसके लिए बेनिफिट होता है। फिर तुलसी है और पुदीना दोनों अपने उसके लिए भी खांसी और उसके लिए बेटर होता है। और ये सबको मिक्स करके फिर इसका रस निकाल के इसको गर्म करके ठंडा करते हैं। फिर जो ठंडा होने के बाद है इसको बॉटल में भर देते हैं और जब अपने को पीना होता है जैसे कि गैस कब्जियत ऐसे भी तीन पेट में अपने को जलन भी होती है कभी कुछ खाया हो तो उसमें पीने से अपने को बहुत राहत भी होती है। और एक टोमेटो केचप है जो ये अपने घर में भी बना सकते हैं और अगर अपने को बिजनेस करना हो तो बिजनेस भी अपने कर सकते हैं। टोमेटो केचप में अपने जैसे लाल टमाटर होते हैं और स्पाइसी मसाला जैसे कि मरी है तेजपत्ता है और दालचीनी जो अपने बोलते हैं वो लविंग है इसका जो पाउडर बना के फिर उसमें जैसे जब गर्म करते हैं तब थोड़ा डालना होता है और नमक और मिर्च इतना डालकर उसको गर्म करके ठंडा जब होता है तो उसको फिर उसको वैसे ही बॉटल में करना होता है। और ये सब अपने घर में कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी सृष्टि में आने के बाद मुझे अभी तक मैं 3 सालों से यहाँ पर सृष्टि में आ रही हूँ और रिपीट ऑर्डर मेरे जो है वो अभी तक है आज की तारीख में। मुझे अभी परसों में रिपीट ऑर्डर आया था कि जैसे मैं अष्टामृत जो बनाती हूँ आपको मैंने बताया आदू आंवला अड़ोसी उसका जो पूरा मिक्स पल्प है उसका अभी 2 दिन पहले भी मुझे ऑर्डर था कि जैसे अभी सर्दी खांसी बारिश है तो अभी ये सीजन ज़्यादा है तो उसमें ये अपने घर में भी बना सकते हो और बेच भी सकते हैं और छोटे जो अगर 2 साल का बच्चा उसको भी अपने पिला सकते हैं कि अपने शरीर में कोई नुकसान कुछ कर नहीं सकता है। और मेरी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट भी है कि जो अपने घर में बनाकर बेच भी सकते हैं। तो मैं सृष्टि के मेम्बरों को थैंक यू बोलूँगी रमेश सर को अलका बहन को सुमित्रा बहन को जो यहाँ तक हम जैसे बहनों को आगे आने के लिए वो लोग सामने से कहते हैं कि आप आओ। উনারগুলা হচ্ছে যে ন্যাচারাল অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে যেগুলো উপকরণগুলো ব্যবহার করো আমি বিভিন্ন রকমের ঔষধ তো বলবো না বিভিন্ন রকমের যেমন একটা জুস হ্যাঁ যে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করে প্রাকৃতিক জিনিস ব্যবহার করে আমি জুস বানাই যেগুলো আপনাদের মানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে। সৃষ্টির এই প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করে উনিও যেটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে সেটা হচ্ছে মার্কেটিং অর্থাৎ ওনার প্ল্যাটফর্ম থেকে মানুষজন জানছে এবং এখন কিন্তু বারবার ওনারা যখন দরকার হয় তখন কিন্তু ওনার কাছে অর্ডার প্লেস করে ওনার কাছে মানে ওনার প্রোডাক্টের চাহিদা অনেক আছে আর এই সৃষ্টি প্ল্যাটফর্ম থেকে ওনারা মার্কেটিং এর ইউজে এখানে আসার কারণে ওনাদেরকে কিন্তু কোনো খরচ দিতে হয় না বিশেষ করে মার্কেটিং এর জন্য এটা সব সৃষ্টির এখান থেকেই করে এবং ওরা খুবই এনকারেজ করে যে মানে এই ধরনের যারা ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনা করতেছে বিভিন্ন করতেছে ওনাদেরকে সামনে আসার জন্য अभी हम जाएंगे ना खाने के लिए तो मैं दिखाऊंगा। मानव साधना से वंदना बहन नमस्ते। हम लोग एक संस्था है जो गरीब बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और छोटे से शुरू किया था सड़क पर आज 10,000 बच्चों से ऊपर के
रोज हम लोगों के लाइफ को टच करें और बहुत बड़ी टीम है जिसने ये डिसाइड किया है कि हम लोग को लोगों के लाइफ में खुशियाँ लानी है और छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, खाली पढ़ाना न्यूट्रिशन ये सब नहीं कर रहे हैं, कैसे वो अपना जीवन खुशी से अपने सर्कमस्टांसेस में रह सके। और बहुत सारे लोग देश विदेश से यहाँ आकर हमारी मदद करते हैं। एक जो इनकम जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, सड़क पर जो बच्चे भीख मांगते हैं उनको वहाँ से छुड़वा कर उनको वापस स्कूल भेजते हैं और कंपल्सरी जाना पड़ता है। दोपहर को वो हमारे पास आते हैं, 2 घंटा खाली आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं हैंडमेड पेपर से, जो हम लोग देश विदेश सब जगह बेचते हैं। और रियलिटी ये है कि बच्चों को कमाना ज़रूरी है, कहना बहुत आसान है कि छोड़ दो चाइल्ड लेबर मत करो, पर उसके घर में उसको उतने पैसे ले जाने हैं तो वो उसको यहाँ संस्था से मिल जाता है। पर मैं 2-3 चीज़ और 5 मिनट लूँगी क्योंकि काफ़ी ऑडियंस सही है शेयर करने के लिए। एक दूसरा, बच्चों के संग काम कर रहे तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि बच्चे के जीवन में ये सिचुएशन क्यों है कि उसको कमाना पड़े, ये उसके माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसका बचपन उसको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमने उनके माओं के संग काम किया क्योंकि थोड़ा ये लगा कि पुरुष को एम्पावर करेंगे तो बहन के ऊपर तो जाती होने वाली है, तो माँ को ही पकड़ो। अब हर राजस्थान, ये गुजरात में हर बहन के ब्लड में जो कहते हैं ना, खून में है कि वो कमा सकते, और इसलिए वो घर बैठे बैठे कला कर सकती है। तो हमने ऐसी संस्था शुरू करी ग्रामश्री और क्राफ्ट ग्रुप, जहाँ घर बैठे लोग काम कर सके। बहनों को घर से निकलकर कमाना और काम करना बहुत डिफिकल्ट है, तो घर बैठे बैठे बहन अपनी कला से हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क, एप्लीके, इतनी सारी चीज़ें बनाती है और उसको हम लोग आगे मार्केटिंग करते हैं, सृष्टि में भी करते हैं। अभी 2 प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किया जिसमें अगरबत्ती बनाने का और दिया, जो हर घर में दिया जलता है, उसकी बाती बनाने का, क्योंकि ये चीज़ें ये आम आदमी खरीदेगा, आर्टिस्टिक चीज़ कुछ लोग खरीद सकते हैं, तो ये भी 10-10 मशीन लगाकर उस बहन के घर में रोटी बनती है 2 वक्त की। हमारा मेन एम ये रहता है 2 वक्त की रोटी बननी चाहिए। अब ये तीसरा चीज़ शुरू किया है, ये ड्रीम्स फाउंडेशन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स मिलकर पेंटिंग्स बनाते हैं। हम कहते हैं न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए, पर आत्मा के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, जिससे हम खुश हो सके, हम अच्छे इंसान बन सके। बोलना अच्छा है कि पॉजिटिव हो, ये हो, वो हो, पर उसके लिए छोटी छोटी मदद चाहिए। तो ये पेंटिंग्स हैं बहुत सुंदर, और उसमें एक अच्छा शोत्र लिखते हैं कुछ भी, और वो हम लोगों के संग शेयर करते हैं। उससे इतने सारे आज के तारीख में एवरी मॉर्निंग एटलीस्ट 10,000 लोग उसको पढ़ रहे हैं, और मैं 5 सेकंड भी मांगती हूँ तो 50,000 सेकंड्स ऑफ पॉजिटिविटी तो जा रही है यूनिवर्स में, और फिर वो भी आगे आगे भेज रहे हैं। अब ये पेंटिंग्स को हम लोग बेचते हैं और इसके प्रॉफिट से जो भी महिला या पुरुष को अपना बिजनेस शुरू करना है, बिकॉज आइडियाज है, हुनर है, करने की इच्छा है, सब कुछ है, पर सीड कैपिटल नहीं रहता है, एक शुरुआत के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो हम इस पैसे से वो पैसे देते हैं। और वो इट इज अ लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन या ग्रांट, वो हम नहीं डिसाइड करते, जिसको पैसा मिलता है वो डिसाइड करता है वो कितने टाइम में, कैसे हफ्ते से वापस करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जिन लोग लोन हम पढ़ते हैं, फार्मर सुसाइड और सब कुछ, जो लोग लोन्स लेते हैं उनके पास बहुत स्ट्रेस रहता है कि मैंने जो अपने दिल से काम करता है उसको रहता है कि ये पैसे मुझे वापस कर दें, कैसे मैं करूं, कब करूं, इसका इंटरेस्ट कितना है, तो उस कारण से वो अच्छे दिल से काम नहीं कर सकता और काम आगे बढ़ नहीं पाता है। तो जो पर हम संस्था को नहीं देते हैं, हम इंडिविजुअल्स को देते हैं जिसको अपना काम शुरू करना है और उसके लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको बढ़ाना है, और ये उसका सर्वाइवल के लिए है। इसलिए नहीं कि मेरा हॉबी है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे काम करना है, मुझे टाइम पास करना है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री बैठी हूँ घर में, ऐसे क्योंकि मेरे पास खूब सारे पैसे नहीं है कि मैं खूब हर लोगों को दे दूँ, मुझे भी कमा कर ही आगे देना है। तो फिर हम राइट पीपल को आइडेंटिफाई करते हैं, और शुरू किए में ये चीज़ पर शुरू किए में 3 महीने में हमने 800 पेंटिंग सेल कर दी हैं, और 75 लोगों के घर में जो पैसे कमा रहे थे वो एग्जैक्टली डबल हो गया, कई लोगों में ज़्यादा हो गया। बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम फंड करते हैं, पर आज पैसा दिया कल से उसके घर में रोटी बनने लगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम, जैसे फॉर एग्जांपल
पानीपुरी की लारी शुरू कर दी, पैदल रिक्शा दे दिया, फिर आटा पीसने की चक्की दे दी, तो तुरंत आज चक्की आई, कल आपने लोगों के आटे पीसे और आपके पैसे मिल गए, एक गांव में खेती के लिए बीज दे दिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम लोग करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो रिपोर्ट्स नहीं लिख सकते, स्टार्टअप आइडियाज नहीं है उनके पास, किसी के पास जाकर मदद नहीं मांग सकते, उनके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, नेबर्स है, जो भी आसपास रहते वो भी उनकी परिस्थिति में है। एक दूसरा काम शुरू किया है कि जो लोग परिस्थिति खराब होती है तो लोन लेते हैं, और उनको लेना ही पड़ता है, और किससे लेते हैं, उनके आसपास वालों से। वो क्या करते हैं, उनको इतने हाई रेट पर देते, 35% तक वो ब्याज भर रहे, तो वो ब्याज को मैं चुका देती हूँ, मैं पूरा लोन भर देती हूँ, वो धीरे धीरे मुझे पैसे पे दे देते हैं, तो वो एक साल में दो साल में उससे मुक्त हो जाते हैं, नहीं तो वो जिंदगी भर वो ब्याज के जंजाल में फंसे रहते और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। फिर क्या होता है, वो 35% पे ले रखे, कुछ और जरूरत हुई कहीं और से लिए, तो पूछने जाओ तो ये लोन ये लोन ये लोन, ये जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो उनको लोन ही देना रहता है। फिर अल्टीमेटली वन मेंबर इन द फैमिली गोज कि चलो मैं तो जीवन खत्म कर देता। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर उनको सपोर्ट करना, और इसके लिए पैसे मेरे पेंटिंग्स देते हैं, और पेंटिंग्स के लिए मार्केट भगवान बेचता है। आप लोग किसी को भी जरूरत हो, कभी भी जेन्युइन लोगों को मदद की, मैं कुछ क्वेश्चंस आस्क नहीं, बस ये कहना है कि मैं जेन्युइन हूँ, मुझे करना है, मैं कोई रिसर्च नहीं करती, भगवान पर छोड़ती हूँ। আপনারা পথ শিশু নাম তো শুনছেন, মানে আমাদের যেসব শিশুরা পথে ঘাটে থাকে, যা সারাদিন কাজকর্ম করে, তো ওনারা অ্যাকচুয়ালি শুরু করছিলেন শিশুদেরকে নিয়ে কাজের জন্য। বর্তমানে প্রায় 10,000 শিশুর জীবন পরিবর্তনের জন্য ওনারা কাজ করতেছেন। আমাদের দেশেও যেটা অনেক বড় একটা আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা মনে করি যে পথ শিশুদেরকে উঠায় নিয়ে এসে স্কুলে দিয়ে দিলেই হয়ে গেল, কিন্তু সেই শিশুটার উপরে যে তার পরিবারটা নির্ভর করতেছে, তাকে যে ওই টাকাটা সে দিতে পারতেছে না, এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা সমস্যা, এটা সমাধানের চেষ্টা আমরা করি না। উনারা যেটাই করে, উনারা বিশ্বাস করে যে না, এদেরকেও কাজ করতে হবে, কারণ এটা তার বেঁচে থাকার প্রশ্ন। এই জন্য উনারা যেটা করে যে স্কুলে অবশ্যই যেতে হবে তাদেরকে, কিন্তু স্কুল থেকে আসার পরে তারা 2 ঘন্টা আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, মানে হচ্ছে হস্তশিল্প, হস্তশিল্পের উপরে তারা ট্রেনিং নেয়, এবং তাদের এই জিনিসপত্রগুলো বিক্রি হয়ে আবার এই টাকাটা ওদের কাছে ফেরত যায়। আরেকটা হচ্ছে যে উনাদের এরপরে রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যে শিশুদের সাথে তো কাজ করব, কিন্তু শিশুরা কেন আসলে পথ শিশুরা পরিণত হচ্ছে বা কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে, কারণ তাদের পরিবার থেকে যেটা করার দরকার পরিবারটা করতে পারতেছে না। সুতরাং ওনারা মাদেরকে টার্গেট করলেন যে ঠিক আছে, তাহলে এবার মাদের জন্য কি করা যায়, যেটা করলে অ্যাটলিস্ট সেই শিশুটাকে আর কাজ করতে হবে না, সেটা শৈশবটাকে এনজয় করতে পারবে। এই জন্য ওনারা মাদের সাথে কাজ শুরু করলেন। মারা ঘরে বসে থেকেই দেখা যায় ওনারা অনেক কাজ করে ওনাদেরকে দেন, এবং মার্কেটিং বা বাজার ধরার কাজটা এনজিও থেকে ওনারা করে থাকেন। আর এটার সাথে ওনারা আরেকটাই হচ্ছে ড্রিম ফাউন্ডেশন নামে, মানে ওনাদের আরেকটা যে ইনিশিয়েটিভ ওনাদের এখান থেকে ওনারা নিচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে ছবি আঁকা, বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনী বা চিত্র আঁকার যে কাজটা হয়, এটার মাধ্যমে হয় কি যে ছবিও আঁকে, ওইটার মধ্যে প্রতিদিন একটা করে মেসেজও যায়, এই ছবিগুলো ওনারা বিক্রি করে, বিক্রি করার পরে যে টাকাটা আসে সেই টাকাটা ওনারা দেয় হচ্ছে যে এই যে যারা এরকম ধরেন, সাধারণত আমাদের দেশে কি হয় টাকা মানে মূলধন পাওয়াটা তো খুব কষ্টকর না, তো যাদের আসলে খুবই দরকার, সব কিছু আছে, আইডিয়া আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু মূলধনের অভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারতেছে না, এরকম মানুষজন যাদের খুব চাহিদা আছে, মানে যারা একদম প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে থেকে তারা বেছে বেছে এই পেন্টিংগুলো বিক্রি করে বা এই চিত্রগুলো বিক্রি করে যে টাকাটা আসে সেই টাকাটা ওনারা এই যে স্টার্ট আপ মানে ব্যবসা শুরু করার জন্য যে মূলধনটা দরকার হয় সেই মূলধনটার জায়গাতে ওনারা দিয়ে দেন। এটাই হচ্ছে ওনাদের মেইন কাজ, আর অবভিয়াসলি সমাজের প্রতি অনেক বড় দায়বদ্ধতা থেকে ওনারা এই কাজটা করে। ভারতীবেন ইভিসা সখী মন্ডল মঘাই নাগলি સૌને નમસ્કાર, મારું નામ પટેલ ભારતીય છે, સોરી
तो मेरा नाम पटेल भारती है, मैं डाक डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हम लोग सखी मंडल चलाते हैं। जो 10 बहन लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं वो सखी मंडल बनाए हैं। 2006 से हमने सखी मंडल की रचना की। शुरू में हम 10 बहन थे, आज हम 100 बहनों के साथ काम कर रहे हैं और हमने ग्राम संघ बनाए। 3 साल तक हमने सिर्फ बचत की, बैंक में पैसा सब इकट्ठे करके बचत कर रहे थे। फिर कुछ नया करे, कुछ करे कि हम बहनों की इनकम आए। इस हिसाब से हमारे वहाँ रागी बहुत होती है और रागी क्या है कि वो बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, तो हमारे एरिया में सब रागी की रोटी पकाते और रोटी खाते थे। तो फिर हमारा जो एग्रीकल्चर के साथ थे उन्होंने रिसर्च किया कि रागी में से सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है उसमें से और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप रागी के अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ। हमने रागी के पापड़ बनाए, रागी के बिस्किट, सेव, फिर बहुत ऐसी चीज़ें है, रवा आप बोलते हैं ना, वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें बनाई। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टॉल करके हमने उसकी बिक्री चालू की और सब बहनों को उनके उनमें से इनकम चालू की। 2009 में ये सृष्टि संस्था के जो महेश भाई है वो हमारे वहाँ छोटा सा हाट लगता था, तो हम दूसरे हाट में थोड़ी साड़ी ला के बिकते थे, थोड़ी हमारी प्रोडक्ट सब बिकते थे। तो महेश भाई लोग हमारे स्टॉल पे आए और बोले आप क्या बेच रहे हो, हमने बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने हमको बोला कि बेन आपके लिए ये तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हम आपको बड़े से प्लेटफॉर्म से लेके जाते हैं और आपको ये जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के सामने लाओ, नेशनल लेवल पे लाओ ऐसा। तो वो महेश भाई है वो यहाँ सृष्टि संस्था में आए, उन्होंने बात की होगी और 7 लोग ने हमको सामने से इन्विटेशन दिया कि आप ये प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप हमारी संस्था में आओ और यहाँ पे इसको नेशनल लेवल पे लाओ। पहली बार हम जब यहाँ पे आए थे तो थोड़ा ये लगता